सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जो कि 1965 में जीता था वो थे लैरी डी स्कॉट, और 1965 और 1966 दो साल ये लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था इन्होंने। तो ये सबसे पहले मिस्टर ओलंपिया थे मिस्टर ओलंपिया की हिस्ट्री में जब मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट हुआ था। जो सेकंड मिस्टर ओलंपिया बने थे सर्जियो ओलिवा, और ये 1967 में बने थे और लगातार तीन साल तक बनते आए थे 1967, 1968 और 1969। तो तीन साल ये रेगुलर लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया था, और काफ़ी अच्छी क्लासिक फिजिक लेके आते थे और काफ़ी नाम है इनका बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। और हमारे तीसरे मिस्टर ओलंपिया जिनको वर्ल्ड वाइड हर एक बंदा जानता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री को लाइक करता हो या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को लाइक करता हो, तो ये एक मल्टी ऑलराउंडर एथलीट थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेले और फिल्मों में एज अ एक्टर काम किया और बहुत ज़्यादा नाम कमाया। आप लोगों ने देखा उनको बहुत सारी फिल्मों में। और ये हमारे थर्ड मिस्टर ओलंपिया थे और बॉडी बिल्डिंग से ही इनका इतना नाम हुआ था। और ये हमारे थे थर्ड मिस्टर ओलंपिया, और इन्होंने 1970, 71, 72, 73, 74, 75 और 1980, तो टोटल इनके नाम पे 7 मिस्टर ओलंपिया के टाइटल हैं। और बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को, और रेगुलरली किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देते थे। और इनके साथ एक इनके टॉप कंटेंडर होते थे फ्रैंको कोलंबो, और वो भी काफ़ी अच्छी फिजिक होल्ड करते थे, उन्होंने भी जीता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यह है हमारे फोर्थ मिस्टर ओलंपिया फ्रैंको कोलंबो, और इन्होंने 1976 और 1981 दो साल इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ ये कम्पीट करते थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। आप लोगों ने पंपिंग आयरन में भी देखा होगा इनको, और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और साथ में इन्होंने बहुत बार स्टेज शेयर किया और पुरानी बहुत ज़्यादा फोटोज़ हैं इनकी साथ में, और काफ़ी इन दोनों का नाम काफ़ी बॉडी बिल्डिंग से उभर के आया था। हमारे फिफ्थ मिस्टर ओलंपिया थे फ्रैंक ज़ेन, और इन्होंने 1977, 1978 और 79 तो 3 ईयर्स इन्होंने रेगुलरली लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता और काफ़ी नाम बनाया अपना बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। और ये भी काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर हैं और काफ़ी अच्छी क्लासिक फिजिक लेकर आते थे, गट काफ़ी कंट्रोल था इनका और बिल्कुल क्लासिक फिजिक, बहुत शानदार फिजिक लेकर आते थे। और हमारे सिक्स मिस्टर ओलंपिया थे क्रिस डिकर्सन, जो कि 1982 में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया था, और आप इनकी फिजिक देख सकते हो, काफ़ी लीन श्रेडेड, क्वाड्स में सेपरेशन और चेस्ट में सेपरेशन और एब्डोमेन एरिया, काफ़ी अच्छी फिजिक होल्ड करते थे और काफ़ी नाम इन्होंने भी बनाया। चाहे मिस्टर ओलंपिया एक ही बार जीते हैं बट बॉडी बिल्डिंग में इनको काफ़ी जाना जाता है। सेवन्थ मिस्टर ओलंपिया थे समीर बनॉट, और 1983 में इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था, और फिजिक आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छी ह्यूज बॉडी थी, और ये अपने थे 7th नंबर पे। अब मैं बात करने वाला हूँ जो कि 8th टाइम बने थे मिस्टर ओलंपिया ली हैनी। तो ली हैनी 8th टाइम मिस्टर ओलंपिया बने थे 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91। चाहे इनका नाम रोनी कोलमैन जितना नहीं हुआ बट स्टिल इन्होंने टोटल 8 टाइम्स अपना टाइटल नाम किया था मिस्टर ओलंपिया का, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बट उस हिसाब का इनका नाम नहीं आ पाया जिस हिसाब रोनी कोलमैन को बॉडी बिल्डिंग का गॉड माना जाता है, उस लेवल का नाम नहीं आ पाया। बट स्टिल काफ़ी अच्छी फिजिक लेकर आते थे और बिल्कुल उन्होंने रोनी कोलमैन का मुकाबला किया है, और इन दोनों का ही रिकॉर्ड है वर्ल्ड में 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया जीतने का। और 9वें एथलीट जो मिस्टर ओलंपिया बने थे डॉरियन येट्स, इन्होंने भी अपने टाइम पे 6 लगातार ईयर से मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था 1992, 93, 94, 95, 96, 97। टोटल इन्होंने लगातार 6 टाइटल्स मिस्टर ओलंपिया के मारे थे, और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इनका भी नाम बहुत ऊपर लिया जाता है, और सप्लीमेंट ब्रांड्स भी हैं इनके बहुत सारे, वे प्रोटीन हर तरीके के सप्लीमेंट ब्रांड हैं इनके, और इन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है। और अब हम बात करेंगे 10वें एथलीट की जिन्होंने कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, जो मैसिव और ह्यूज साइज लेकर आते थे वो आप देख सकते हो, और इनको हर कोई जानता है रोनी कोलमैन, जो कि 8th टाइम मिस्टर ओलंपिया है हैनी
ली का जो सॉरी ली हैनी का जो रिकॉर्ड था वो उनकी बराबरी करी है, टूटा नहीं है बट बराबरी है, और दोनों का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनने का। और आप जिन लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा पुराने बॉडी बिल्डर नहीं है, 2000 में कम्पीट करते थे, 98 से शुरू किया था, तो 1998 में जीते थे, 99 में जीते थे, 2000 में जीते थे, 01, 02, 2003, 2004, 2005, लगातार 8 ईयर्स तक ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत रहे थे। और इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया और इनका नाम बॉडी बिल्डिंग में बहुत ऊपर लिया जाता है। और 11वें एथलीट जो मिस्टर ओलंपिया बने थे, जैक कटलर, जिन्होंने रोनी कोलमैन को हरा के 2006 का मिस्टर ओलंपिया अपने नाम किया था, और उसके बाद 2006 के साथ 2007 में जीता था, उसके बाद 2009 में जीते थे और 2010 में जीते थे। तो 4 टाइटल हैं जैक कटलर के नाम, और बहुत बार इन्होंने रोनी कोलमैन के साथ कम्पीट किया था, और रोनी कोलमैन जब अपने टाइम पे थे तब उनको बीट करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ के साथ साथ ऐसी कंडीशनिंग लेके आते थे कि कोई उनको हरा नहीं पाता था, बट 2006 में उन्होंने हराया था। और इनके नाम पे 4 टाइटल हैं और इनकी भी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। और 12वें एथलीट जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था वो हैं डेक्स्टर जैक्सन, सबसे ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले, स्टेज शेयर करने वाले बहुत बड़े बड़े एथलीट्स के साथ, वो हैं डेक्स्टर जैक्सन, जो कि 2008 में इन्होंने टाइटल अपने नाम किया था। और टॉप 5 में ये ऑलमोस्ट हमेशा ही रहते थे, और बहुत बड़ा नाम है इनका मिस्टर ओलंपिया और बॉडी बिल्डिंग में। और 13वें एथलीट जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल मारा था वो थे फिल हीथ, और इन्होंने भी लगातार टाइटल अपने नाम किए थे, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया थे, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 2011 से लेकर 17 तक रेगुलरली ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतते आए थे, और इनको फाइनली बीट कर दिया गया था 2018 में, बट फिजिक बहुत ज़्यादा शानदार लेके आते थे। और हैनी रोमबॉयड के बहुत ज़्यादा नाम हुआ था बिकॉज फिल हीथ लगातार जीते थे और बहुत ह्यूज फिजिक लेके आते थे, ह्यूज कंडीशनिंग लेके आते थे, जो मसल सेपरेशन होती थी इनकी बिल्कुल देखने वाली होती थी। जो 14वें एथलीट हैं जो मिस्टर ओलंपिया का टाइटन जिन्होंने अपने नाम किया था वो थे शॉन रोडन, और 2018 में इन्होंने जीता था मिस्टर ओलंपिया। और इनकी फिजीक आप देखोगे, इनका मिड सेक्शन देखोगे, जो खड़े होने का जो पोजिंग का तरीका था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फिजीक लेके आए थे, और इतनी अच्छी कंडीशनिंग थी, इतनी अच्छी पोजिंग थी कि इनको बिल्कुल सभी एथलीट से बिल्कुल अलग लग रहे थे, और मिस्टर ओलंपिया इन्होंने जीता था। और पोजिंग के इनके बहुत दीवाने हो गए थे 2018 में शो पे। और ये हमारे हैं 14th एथलीट जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। अब हम बात करेंगे 15 एथलीट की जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता था, वो हैं ब्रैंडन कड़ी, और आप फिजीक देख सकते हो, काफ़ी अच्छी फिजीक लेके आए थे। और बहुत लोगों का ये कहना था कि इस बार बड़े एथलीट्स ने कम्पीट नहीं किया, ये भी रीज़न था उनके जीतने का, बट कोई भी कम्पीट करता तो भी बहुत कड़ी टक्कर देने वाले थे बिकॉज बहुत अच्छा साइज और कंडीशनिंग राउंडनेस लेके आए थे, सेपरेशन काफ़ी अच्छी थी, और बिल्कुल वेल डिजर्विंग विनर थे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। और अभी जो रिसेंटली मिस्टर ओलंपिया हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे भले ही 4th नंबर पे आए थे बट अच्छा परफॉर्म किया था। अब हम बात करेंगे 16वें मिस्टर ओलंपिया की, जिनको कि मास मॉन्स्टर कहा जाता है, इजिप्टियन मॉन्स्टर कहा जाता है, तो ये है मैमदो एलिजाबेथ। और ये नाम इनका बिग रैमी के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, बट इनका रियल नाम मैमदो एलिजाबेथ है। और 2020 और 2021 में इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था, बट अभी 2022 में हारे हैं ये। और जो नए मिस्टर ओलंपिया बने हैं 2022 में, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। 17वें एथलीट जो कि मिस्टर ओलंपिया जीते वो थे हैडी चुपन, और काफ़ी लास्ट ईयर से काफ़ी ट्राई कर रहे थे बट टॉप 5 में आ रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे, बट इस बार उन्होंने दिखा दिया कि कंडीशनिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ऐसी कंडीशनिंग लेके आए कि जिन इनसे बड़े साइज़ भी थे जिनके सभी को बीट कर दिया, और ये जीत गए अपने फर्स्ट टाइटल 2022 का मिस्टर ओलंपिया। और बहुत अच्छी फिजिक कंडीशन, वेल कंडीशन फिजिक लेकर आए थे, बहुत अट्रैक्टिव फिजिक लेके आए थे, और जजेस ने इनको ही जिताया।
और सेकंड पे आए थे डेरेक लंसफोर्ड, वो भी काफ़ी अच्छी फिजिक लेके आए थे। और नेक्स्ट टाइम काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी इनकी और डेरेक लंसफोर्ड की और बिग रैमी की। और देखते हैं कि 2023 का मिस्टर ओलंपिया कौन जीतता है। ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना।